हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जिला एक नज़र की सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग हज़ारीबाग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे और एक एक करके हम लोग पूरे जो 24 ज़िले हैं झारखंड के उसको कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हज़ारीबाग। तो जैसे आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, ये झारखंड का मैप है। इसमें ये जो दिख रहा है आपको कलर, ये क्या है, यहाँ पे हज़ारीबाग है। वही हम लोग और मैप को थोड़ा क्लियरिटी से देखें। अगर आप गूगल मैप में सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा हज़ारीबाग का जो शेप है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इधर बिहार लगा हुआ है, और बिहार का कौन सा ज़िला हज़ारीबाग से टच करता है, तो गया जो डिस्ट्रिक्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट टच करता है। और ये क्या है, ये है कोडरमा है, और ये इसकी बात करें तो ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ये आपका बोकारो है, और ये रामगढ़ है, और ये यहाँ पे रांची भी टच करता है इससे, और यहाँ पे ये चतरा है। तो कितने ज़िले हो गए इससे, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़िले जो है झारखंड के ज़िले इससे सीमा साझा करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट की, वो आप याद रखेंगे 1834 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये डेट आपको याद रखना 1834। अब इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है, 4313 स्क्वायर किलोमीटर है, और जनसंख्या है 1,34,495, ठीक है। तो 17 लाख के आसपास इसकी जो जनसंख्या है, और साक्षरता दर की बात करें तो 69.75% है, और इसका लिंगानुपात है, यानी कुल 1,000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 947 है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से जो बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें दामोदर है, बराकर है, कोनार है, घाघरा है, बोकारो है। हालांकि बोकारो से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बोकारो डिस्ट्रिक्ट अलग है, ये बोकारो नदी अलग है। तो बोकारो नदी यहाँ से गुजरती है, फिर मोहना नदी। तो ये कुल जो नदी है इसको आपको याद रखना है। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, हज़ारीबाग झील को आपको याद रखना है। ये हज़ारीबाग झील है, ये एक प्रसिद्ध, यहाँ पे एक प्रसिद्ध जेल भी है, ठीक है, जहाँ पे जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। लेकिन फिर जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को अपने 5 साथियों के साथ यहाँ से जेल से भाग गए थे, जेल तोड़कर फरार हो गए थे। और तो ये आपको हज़ारीबाग झील याद रखना है, और हज़ारीबाग झील के पास में क्या है, एक जेल भी है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक कैनरी पहाड़ है, इसके बारे में भी आपको जानना है। और इस पहाड़ के शीर्ष पर क्या है, एक डाक बंगला है, और इस पहाड़ के नज़दीक एक और पहाड़ है, ठीक है, और इस पहाड़ से हज़ारीबाग का पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। कैनरी पहाड़ के बाद आपको जो याद रखना है वो हज़ारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, तो हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उसके बाद आपको सूर्य कुंड का याद रखना है, जो कि झारखंड में सबसे गर्म जो कुंड है, सबसे गर्म कुंड है। और इसकी अगर टेम्परेचर की बात करें तो 169 से लेकर 190 डिग्री फॉरेनहाइट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दो गर्म झरना के अलावा एक ठंडा झरना भी है, ठंडा वसंत जिसको कहते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि इस पानी पे नहाने पे इस पे चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है, यानी कि रोग मुक्त हो जाता है लोग। तो इसमें क्या है, उच्च सल्फर की मात्रा है, जिसके वजह से क्या है, ये इसमें चिकित्सीय प्रभाव इसका होता है। और यहाँ पे सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड और सीता कुंड नामक कितने जो टोटल कुंड हैं, वो 5 कुंड हैं। तो ये आपको याद रखना कि कुल कुंडों की संख्या कितनी है, 5 है। और इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है संत कोलंबस कॉलेज, तो संत कोलंबस कॉलेज को भी आपको याद रखना है कि ये
हजारीबाग में है, ठीक है, संत कोलंबस कॉलेज। अगला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय को आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और इसके बाद यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का प्रशिक्षण केंद्र भी है, जिसका जगह का नाम है मेरू, मेरू कैंप बोलते हैं इसको, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे हजारीबाग से जुड़े कुछ आंदोलनकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जैसे सरस्वती देवी हैं, फिर उसके बाद कृष्ण वल्लभ सहाय, और कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे जैसे भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, टेकलाल महतो, ये सारे राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा, और ये जयंत सिन्हा, ये वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ और हैं, जैसे कि कोनार डैम, कोनार डैम को आपको याद रखना है, ये कहाँ पे है, हजारीबाग में है, ठीक है, कोनार डैम को भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, ये आपको पकरी बरवाड़ी जो है, ये फेमस कोल बेल्ट है, यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है, इसको भी आपको याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है, बड़का गांव में जो है बुद्धिस्ट साइट है, यानी कि बौद्ध के यहाँ पे स्थल, काफ़ी अवशेष यहाँ पे मिले हैं। और उसके बाद आगे हैं, आगे आपको याद रखना है इसको, इसको जो है यहाँ पे पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो इसको कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, हजारीबाग में ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, ये इचाक, इचाक टेंपल, ठीक है, टेंपल ऑफ इचाक, इसके बारे में भी आपको बस नाम याद रखना कि कहाँ पे है, हजारीबाग में है। और यहाँ पे बादाम फोर्ट, बादाम का किला और पद्मा किला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पद्मा किला और जो बादाम का किला है, ये भी हजारीबाग में ही स्थित है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और यहाँ पे कोहबर और जो सोहराय पेंटिंग है, इसको 2020 में GI टैग मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ का है, हजारीबाग का है। उसके बाद नरसिंह स्थान, ये भी नाम आपको बस याद रखना है कि कहाँ पे है, हजारीबाग में है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद पंच मंदिर, पंच मंदिर को भी आपको याद रखना है। और उसके बाद है सिलवार हिल, तो सिलवार हिल भी कहाँ पे है, ये हजारीबाग में है, हजारीबाग बगोदर रोड में है। उसके बाद बरसों पानी, बरसों पानी भी हजारीबाग में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है राजदेरवा, ठीक है, ये भी क्या है, एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके सेंटर पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। और उसके बाद ये आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, ये कैनरी हिल का इमेज है, ठीक है, कैनरी हिल आपको हमने बता दिया। उसके बाद हजारीबाग झील के बारे में बताया, एक पार्क है स्वर्ण जयंती पार्क, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद सूरज कुंड के बारे में मैंने बताया आपको, फिर है शिवगढ़ टेंपल, यहाँ पे क्या है, पत्थर काट के जो गुफा बनाया गया है और किला भी यहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, शिवगढ़ टेंपल। तो यहाँ पे ये पूरा हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट था हजारीबाग के लिए उसको हम लोगों ने देख लिया। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।